नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इजी वे टू लर्न में। दोस्तों, आज हम मैथ की कहानी स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको सरकारी नौकरी की तरफ लेके जाता है। अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की, अगर आप एग्जाम देने जाते हो, टायर वन सिस्टम होता है किसी एग्जाम में टायर टू भी सिस्टम होता है। अगर आप टायर वन देने जा रहे हो, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का दोगे, आप एमटीएस का दोगे, सीपीओ का दोगे, तो वहां पर मैथ आपको 50 मार्क्स का मिलता है। अगर आप बात करें एसएससी सीजीएल की, जिसमें टायर टू सिस्टम होता है, तो टायर वन में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, जिसको हम एसएससी सीजीएल प्री बोलते हैं। वहां पर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं इसके। और अगर हम बात करें टायर टू की, एसएससी सीजीएल की, वहां पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको 200 मार्क्स देंगे। तो अगर कुल मिलाकर बात करें एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको 250 मार्क्स दिलाएंगे, जो आपकी सहायता करेंगे इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं, अब इस मैथ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके सिलेबस के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है, तो फेसबुक पे हमारा इजी वे टू लर्न नाम से एक ग्रुप है, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दी गई है, सिलेबस आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बच्चों, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात कर रहे हैं प्री की, तो मैथ में प्री में टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, जो आपको 2 to 4 मार्क्स दिलाएंगे। और अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल टायर टू की, उसमें मैथ में इसके 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको 10 to 12 मार्क्स दिलाएंगे। तो मार्क्स की वेटेज बहुत अच्छी है इस चैप्टर की, इसी से शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर, तो एक ट्रिक देखेंगे हम, जो टाइप वन के जो क्वेश्चन हम करेंगे आगे, उसमें ये ट्रिक काम आएगी। तो पहले इसका बेस देखते हैं कि ये आई कहां से है, बेस क्या था जो हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे। तो बच्चों, वहां पर एक क्वेश्चन आता था कि एक बंदा है ए, जो कि किसी भी काम को कर सकता है 20 दिन में, 20 days, ए कैन डू ए वर्क इन 20 days। सेम केस दूसरे बंदे के साथ है, जिसका नाम है बी, वो उस काम को 30 days में कर सकता है, बी कैन डू दैट वर्क इन 30 days। तो इस क्वेश्चन को हम उस टाइम कैसे करते थे, जब बेसिक से करते थे, हम करते थे ए 20 days में वर्क करेगा, वर्क हम मान लेते थे टोटल 1 उस टाइम। तो अगर हम ए का एक दिन का वर्क निकालते थे, तो ये हो जाता था 1/20। सेम केस अगर हम बी के साथ लगाएं, तो इसके एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/30। तो जब हमें बोला जाता था कि बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तब हम क्या करते थे, ए प्लस बी, इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देते थे, 1/20 + 1/30। फिर बच्चों, इसका एलसीएम लिया जाता था, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। यहां पर 20 को इससे डिवाइड करेंगे, 20 से 20 के 60, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2, ये हो जाता था बच्चों 5/60। जब 5 से आप 60 को काटोगे, तो ये आएगा 12, ये बन जाएगा 1/12, 1/12। तो ये क्या आया है बच्चों, ए प्लस बी का एक दिन का वर्क आया है 1/12। अगर इसको हम डेज में कन्वर्ट करें कि ए प्लस बी इस काम को करने में, वन वर्क को करने में कितने दिन लेगा, तो इसको हम पलट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 days। ये था कुछ बेसिक मेथड, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूं, वो चीज देखिए आप। देखिए बच्चे, जो शॉर्ट ट्रिक बनेगी आगे, वो बेस कहां से उठा, इन दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम, 20 और 30 का क्या लिया हमने, एलसीएम। और इसी एलसीएम के बेस पे वो ट्रिक आगे चले। चलिए बच्चों, चलते हैं हम उस ट्रिक की तरफ,
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था जो इससे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदा ए है वो लेता है 20 डेज किसी काम को करने में और एक बी है वो लेता है 30 डेज उसी काम को करने में। फिर अभी हमने क्या निकाला था जो हम बेसिक से बात कर रहे थे उसमें निकाला था हमने इन दोनों का एलसीएम जो कि आया था 60। ये क्या था हमारा इनका एलसीएम। तो हम इस ट्रिक में करेंगे क्या इस 60 को हम मान लेंगे बेटा टोटल वर्क या हिंदी में बोले तो कुल कार्य। तो देखिए अगर ए है वो 20 दिन में किसी काम को कर रहा है जो हमारा आया 60 जो हमने माना है टोटल वर्क। अगर 60 वर्क निपटाना उसको और 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 60/20 या 60 को आप भाग दोगे 20 से तो ये आएगा आपका 3। और एक बंदा बी है जो किसी काम को मतलब उस 60 काम को या टोटल जो यूनिट मानी हमने वर्क की टोटल वर्क की 60 उसको कितने दिन में कर रहा है वो 30 दिन में तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 60/30 जो कि आएगा हमारा 2। तो ये 3 और 2 जो आया है वो क्या है वो ए और बी की इफिशियंसी है इनकी क्षमता है जिस क्षमता से वो उस कार्य को करेंगे जिस इफिशियंसी से उस वर्क को करेंगे। इसका मतलब क्या है ये होगी थी इनकी इफिशियंसी हिंदी में बोले इसको बोलेंगे बेटा क्षमता। तो इसका मतलब क्या हुआ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको एक दीवार दी गई बनाने के लिए उसमें टोटल वर्क दे दिया आपको कि आपको बोला गया कि आपको इसमें 60 ईंटें लगानी है तो ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी बन गई। तो एक ए बंदे को काम दिया गया वो कहता था मैं 20 दिन में इस काम को कर दूंगा तो अगर 60 ईंटें लगानी है उसको ए को और वो 20 दिन में उसको कर रहा है मतलब बना रहा है उस दीवार को 60 ईंटें लगा रहा है तो एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहा है वो 3 मतलब हमने क्या करा 60 को डिवाइड कर दिया 20 से तो 3 इसकी क्या आ गई इफिशियंसी या क्षमता आ गई। इस क्षमता का मतलब क्या हुआ 3 ईंट वो हर दिन लगाता था हर दिन एक दिन में 3 लगाई दूसरे दिन में फिर 3 लगाई फिर 3 लगाई ऐसे करते करते 20 दिन तक उसने काम किया तो 20 दिन में कितनी ईंट लगा गया वो 60 लगा गया काम पूरा हुआ चला गया। एक दूसरा बंदा आया वो बोला कि मैं इस काम को करूंगा 30 दिन में मतलब 60 ईंटें लगानी है उसको और वो बी कह रहा है मैं 30 दिन में करूंगा तो वो 2 ईंटें एक दिन में लगा रहा था बी कैसे आया 60 को आपने डिवाइड किया 30 से तो इसकी क्षमता या एफिशिएंसी किसकी बी की आ गई 2 इसका मतलब 2 ईंटें उसने हर रोज लगाई पहले दिन 2 दूसरे दिन 2 तीसरे दिन 2 ऐसे करते करते 30 दिन तक काम किया 30 × 2 60 आ गया 60 ईंटें लगी काम पूरा चला गया। ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए चीज क्या है उससे पहले एक चीज समझते हैं अभी तो यहां पर दो चीजें थी ए और बी 20-30 दिए आपने एलसीएम निकाले 60 इजीली लेकिन अगर यहां पर 3 बंदे होते तीसरा बंदा आ जाता सी चौथा आ जाता डी या ई पांचवा आ जाता 5 बंदे हो जाते तो आप एलसीएम कैसे निकालते परेशानी होती। लेकिन उसकी चीज उसके लिए एक देखिए गई चीज अगर मान लीजिए तीसरा बंदा आता सी वो कहता मैं 40 डेज में इस वर्क को कर दूंगा तब हम एलसीएम कैसे निकालते एक छोटी सी ट्रिक है देखिए क्या करेंगे इन नंबरों को देखेंगे ए बी सी ने जो दिन लिए हैं उनको देखेंगे इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा या सबसे ज्यादा दिन जिसने लिए होंगे उसको मार्क कर लीजिएगा जैसे 40 इसमें सबसे बड़ा इसको हमने मार्क कर लिया फिर हम क्या करेंगे इसका पहाड़ा पढ़ेंगे इसकी टेबल पढ़ेंगे और ऐसा नंबर ढूंढेंगे इसकी टेबल में जिसको ये दोनों पूरा पूरा डिवाइड कर दे पूरा पूरा भाग दे दे जैसे कि पढ़ते हैं 40 × 40 41 × 40 होता है लेकिन जो 40 नंबर है वो 20 से डिवाइड तो हो जाएगा 30 से डिवाइड नहीं होगा। आगे चले 42 × 80 40 × 2 = 80 80 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा 30 से नहीं होगा इसका मतलब ये भी हमारा एलसीएम नहीं हुआ। आगे चले 43 × 120 120 तो जो 120 जो आया हमारा नंबर वो बच्चे 20 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरे पूरी तरीके से और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा
इसका मतलब इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या आया 120। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं इसको एलसीएम को निकालने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें टाइम बचाना होता है, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। तो देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया है, जो भी हम देखेंगे ये काफी क्वेश्चनों में यूज होगा, देखते हैं इस रिजल्ट को। देखो हमने यहां क्या किया, ये थे हमारे नंबर ऑफ डेज, लिए गए दिन। अभी क्या हुआ कि हम देखें यहां पर इसको, तो जो डेज थे 20, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमें 60 देगा। 60 क्या है हमारा टोटल वर्क, समझ में आया। अगर मैं नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमें एज ए रिजल्ट क्या देगा बच्चे, टोटल वर्क देगा। क्या देगा, टोटल वर्क। तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी बराबर होगा टोटल वर्क, या इसको हिंदी में लिखें तो लिए गए दिन गुणा क्षमता बराबर होगा कुल कार्य। जैसे कि हमने बेसिक मेथड में टोटल वर्क या कुल कार्य को एक माना था, उसी चीज को अगर हम यहां अप्लाई करके देखें तो टोटल वर्क हमने क्या मान लिया बच्चे, 1। तो अगर हम इन दोनों चीजों में से नंबर ऑफ डेज या एफिशिएंसी, लिए गए दिन या क्षमता को किसी को भी उधर लेके चले दूसरी साइड, तो क्या होगा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज हम एफिशिएंसी को उधर लेके जाते हैं 1/एफिशिएंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के हमारे सामने सामने आया, क्या कि जो डेज थे डेज वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एफिशिएंसी के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दिन ले रहा है तो उसकी क्षमता या एफिशिएंसी उस कार्य को करने की वो होगी कम, अगर उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो कम दिन लेगा, एफिशिएंसी कम है तो ज्यादा दिन लेगा। उल्टा बोले अगर ज्यादा दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, अगर कम दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप एक क्वेश्चन देखें, अगर आपको एग्जाम के अंदर आ जाए, ये टायर 2 के अंदर भी आया हुआ है क्वेश्चन और टायर 1 के लिए भी आया हुआ है, प्री में भी आया हुआ है, हर एग्जाम के सीपीओ सीएचएसएल में क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या कह दे रहा था कि दो व्यक्ति है, उन दोनों को लिए गए दिन मतलब नंबर ऑफ डेज जो उन्होंने लिए थे कार्य करने के, उनका अनुपात दे रखा था बच्चे 4:3 4:3। और हमसे पूछा गया था आंसर में बताइए कि उनकी इफिशियंसियो या क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि हमने कहा कि नंबर ऑफ डेज जो होते हैं बच्चे वो इफिशियंसी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उल्टा होता है, डेज ज्यादा लेगा तो इफिशियंसी कम होगी। अब देखिए अगर ये नंबर ऑफ डेज थे ये वाले, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ये 4 दिन ले रहा था ये 3 दिन ले रहा था, तो 3 दिन वाले की एफिशिएंसी ज्यादा होगी और जो 4 दिन ले रहा था उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या जाएगा, 3:4। ठीक है बच्चे, ये था हमारा वो चीज, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है टायर 2 में भी और टायर 1 में भी। तो देखिए बच्चों ये थे वो शॉर्ट ट्रिक या मेथड जो हम आगे अप्लाई करेंगे, टाइप 1 जो क्वेश्चन करेंगे और टाइप 2 जो क्वेश्चन करेंगे, तो ये ट्रिक वहां पर काम आएगी। तो इसको आप समझिएगा, देखिएगा, एक बार समझ ना आए तो बार बार देखिएगा। चलिए बच्चों ये तो हुआ उस कंसेप्ट का काम, अब इसी कंसेप्ट पे या ट्रिक पे आगे क्वेश्चन आएंगे जिसको हमने टाइप 1 टाइप 2 का नाम दिया गया है। टाइप 1 में जो क्वेश्चन होंगे उसमें खाली 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, ए और बी का केस लेके चलेंगे, इस ए और बी से जितने भी टाइप की स्टेटमेंट बनती है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे करेंगे, 20-22 क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, सारी ट्रिक या शॉर्टकट वे जो भी बनता है उनका वो बताएंगे।
तो आप इस YouTube वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा जिसका नाम है इजी वे टू लर्न। और नीचे आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, कृपया उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जो भी हमारी नई वीडियोस पे डलेगी। इसके साथ साथ बच्चे, जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपका अड़ गया है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप फेसबुक पे हमारे ग्रुप है इजी वे टू लर्न के नाम से वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं इन टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा करंटली टॉपिक चल रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पर आप फोटो के द्वारा या पीडीएफ फाइल के द्वारा उस क्वेश्चन को दे सकते हैं। उस क्वेश्चन का हम वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आपको सॉल्यूशन देंगे उसी समय या कुछ अंतराल के बाद। तो इस चैनल से जुड़े रहिए जिसका नाम है इजी वे टू लर्न। इसके